बोधगया बिनाल के बारे में जानकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। दरअसल ऐसी चीज़ें ही करने से हम कला को लोगों तक ले जा पाएंगे। ये चिंता हम लोगों को बराबर रही है कि लोगों को काम देखने को नहीं मिल रहा। जो गैलरीज हैं वो बड़ी बड़ी गैलरीज भी, छोटी गैलरीज भी, सब बड़े शहरों में हैं और वहाँ भी सबका पहुँचना संभव नहीं होता। संग्रहालय हमारे देश में बहुत अभी हैं नहीं, गिनती के हैं। अब पुराना संग्रहालय हमारा भारत कला भवन है, फिर भारत भवन बना, अब किरण नाडार म्यूज़ियम है, ऐसे और भी कई संग्रहालय हैं, लेकिन इतने नहीं हैं देश की जनसंख्या को देखते हुए कि लोगों तक कला सचमुच पहुंच सके। इसलिए मैं इसका तो बहुत स्वागत करता हूं, और बिहार में और बोधगया में ये बिनाल हो रहा है, ये मेरे लिए और भी खुशी की बात है, क्योंकि ये संयोग ही मानिए और मैं इसको अपना भाग्य भी मानता हूँ कि बिहार में जब एक नया कला आंदोलन शुरू हुआ सुबोध गुप्ता, नरेंद्र पाल सिंह आदि की पीढ़ी से, और उसके पहले भी जो लोग थे, श्याम शर्मा जी थे और कई लोग थे, सब मेरे मित्रों में रहे हैं, तो ये संयोग ये बना था कि चूँकि मैं हिंदी में लिखता था, दिनमान में लिखता था, तो ये सभी लोग जब आए दिल्ली में तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास भी पहुँचे, ये सबसे पहले हमारे पास पहुँचे, तो एक तो उसकी याद आती है कि कैसी एक सुंदर शुरुआत हुई थी। और ये लोग आए, सुबोध आए मेरे घर, मतलब शुरू में तो मैं समझता हूँ कि लगभग रोज ही आते थे जब वो खिड़की विलेज में रह रहे थे। फिर नरेंद्र पाल सिंह और भी नाम ले सकता हूँ, पर अभी उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा। तो संजीव बाद में आए, संजीव आए, सांभवी आई, ये सब लोग आए, तो ये एक नई शुरुआत और हो रही है। कॉलेज में जो हुई थी लोगों करने से हुई थी, कुछ लोग युवा लोगों के करने से, अब उसको एक बड़ा रूप मिल रहा है। फिर इसमें विनय जी की भी याद करता हूँ जिन्होंने पत्रिका निकाली कला पर, और अभी भी इतना काम कर रहे हैं और इस बिनाल से भी जुड़े हुए हैं। तो पहले तो सबको बधाई, बिहार के लोगों को भी बधाई, वहाँ के दर्शकों को, कि अब वो बहुत सारा काम तो देख ही सकेंगे जो वहाँ तैयार होगा, जो लगाया जाएगा वहाँ, और कलाकारों से मिल सकेंगे और रचना सामग्री देख सकेंगे। वो दुनिया खुलनी भी बहुत ज़रूरी है कि हम कला की के आगे पीछे क्या है उसको भी जानें। अभी ग्रुप 80-90 का जो बड़ा शो लगा यहाँ डेली आर्ट गैलरी में, और एक बड़ी किताब बनी है, उसमें मैंने ऐसी बहुत सारी बातें कही हैं, भाषा को लेकर भी कही हैं, कि किस तरह से हमारे कलाकार जो ग्रामीण प्रदेशों से आए, कस्बों से आए, छोटे शहरों से आए, उसमें खुद ग्रुप 80-90 के कलाकार शामिल हैं, तो उनकी एक दूसरी दुनिया थी, और उस दुनिया को हमारी अंग्रेजी की, अंग्रेजी भाषा नहीं, अंग्रेजियत वाली, वो ठीक समझ नहीं पाए, उस पर अभी पूरी तरह से बात हुई नहीं है, तो वो कैसे होगी अगर आप भाषाओं में आप काम नहीं करोगे, आप अच्छी पत्रिकाएं नहीं निकालोगे। मेरा जोर इस पर है कि ये बिनाल के समय अगर जैसे कैनवास है या और पत्रिकाएं हैं, ये कोई किताब बने अभी आगे चलकर, वो बड़ा काम होगा। मेरा ये मानना है कि कलाओं का एक संसार होता है, वो अपने आप में एक उत्सव होता है, वो अपने आप में एक समारोह होता ही है, समारोह ही भाव। अब ध्यान दूसरी तरफ देना है कि ये जो सभी भाव है कलाओं की दुनिया में, इसको लेकर विचार क्या हो, विचार पहुंच रहा है कि नहीं, अच्छी किताबें बन रही हैं कि नहीं, अच्छा सोचने समझने वाले लोग आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो चीज़ बहुत दिनों तक साथ रहती है, और वो मेरा उसमें बहुत गहरा विश्वास है। और सच पूछिए तो आज भी हम ही लोगों को जो मिला वो कैसे मिला है, कहीं रखा हुआ है, कहीं पढ़ा हुआ, हमने कुछ पढ़ा है, कहीं वो संग्रह किया गया था, तो उसको हम क्यों नहीं देखेंगे, पीढ़ियाँ क्यों नहीं देखेंगी। अगर कभी चोला ब्रॉन्जेज का एक बड़ा संग्रह चेन्नई के स्टेट म्यूजियम में न होता तो मैं उसको कैसे देखता। अब ये अलग बात है कि उसको हजारों लाखों लोगों ने नहीं देखा, लेकिन कहीं है तो रखा हुआ है, किताब है तो रखी हुई है, राकेश दास जी ने कुछ लिखा है वो रखा हुआ है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने जो किया है
वो रखा हुआ है। आज मैं तो ये मानता हूँ कि इन सबको याद करने की ज़रूरत है।